नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग कराने के लिए। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ फैलते जा रहे हैं, तो जो लोग भी देख रहे हैं उनकी फील, आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। फिर भी देखिए, हमें इंटेंस फीलिंग्स का क्या करना, हमको तो डिटेल्स चाहिए, है ना। तो देखते हैं भाई, डिटेल्स में बताइए अपनी फीलिंग्स, ऐसे फैलिए नहीं, फैल के नहीं जाननी है फीलिंग्स भाई। इस बंदे की फीलिंग बताइए डिटेल में, परफेक्शन में बताइए। फिर भी आपके कार्ड्स बहुत उड़ रहे हैं आज, कंट्रोल में नहीं है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त, तो आप थोड़ा सा संभल कर रहें, अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लें, है ना। तो क्योंकि जब इंसान की फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो वो कुछ भी कभी भी कुछ भी करता है, बोलता है, फिर बाद में उस बात पर टिका हुआ नहीं रहता है, पलट जाता है, क्योंकि वो फीलिंग्स में आके इंसान कुछ भी डिसीजन ले लेता है, सोच समझ के नहीं लेता है ना। तो आपको यही मैं एडवाइस करूँगी, यहाँ एनर्जी से पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनकी उथल पुथल चल रही है एनर्जीज। आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखें और कुछ भी ना एक्शन लें इस वक्त, कुछ ना करें। इस पर्सन की एनर्जीज बताइए, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। वो बहुत सॉन्ग सुन रहे हैं या गुनगुना रहे हैं आपके याद में, आपके लिए, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन सिंगर हो सकते हैं, एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आपको वो स्टार की तरह देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड आया है, एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, उनको लगता है कि भगवान ने उनकी सुन ली है आपको भेज कर उनकी लाइफ में। ओफो, द सेकर्ड मिरर्स, आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। फिल योर कप विद सेकर्ड गिगल्स, सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड मून, द मून 333 और 2+1 3, फिर से 3। ओफो, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये भी 3 का ही कार्ड है, एम्प्रेस विद द हायरोफेंट। फिर से ये 3 का कार्ड आया है भाई, इतने 3 आ रहे हैं, 1+2 3 एंड द सन, 9+1 1 या 8+1 9। तो इस वक्त देखिए, मैं आपको बताऊं, आप लोग की एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज मतलब कि आपके जो पर्सन है वो अपने माइंड बॉडी एंड सोल को बराबर एक ही अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्योंकि 3-3 कार्ड हमेशा किस चीज़ का होता है कि माइंड बॉडी एंड सोल, तीनों चीज़ें जब आपकी एक ही ओर चलें, एक ही डायरेक्शन में चलें, एक ही चीज़ के लिए अपनी इंटेंशन और कामना रखें, तब ये 3-3 नंबर अपीयर होता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले बताया था आपके जो पर्सन है बहुत ही हैप्पी एनर्जी में, क्योंकि यहाँ देखिए पहले तो गिगल्स का कार्ड आया, सेंटर ऑफ द कार्ड आया है, फिल योर कप विद सेकंड गिगल्स, मतलब आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको लेकर बहुत हैप्पी फीलिंग्स हैं उनके अंदर। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, तो उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं और बहुत हंसी मजाक में हैं। मतलब जैसे एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, एक बच्चा कितना खुश रहता है हमेशा, तो वो ऐसी मतलब बहुत ही जॉयफुल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि उनको डांस करने का मन कर रहा है, उनको गाना गाने का मन कर रहा है, उनको खुश रहने का मन कर रहा है, उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा है। और ये सब क्यों, पहली बात तो आप लोग
ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मिरर्स हैं, और दूसरी बात ये सब इसलिए हुआ है वो सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जो बदलाव आप चाहते थे या जो बदलाव डिवाइन डिमांड कर रहे थे, जो बदलाव भगवान चाहते थे इस इंसान से इस कनेक्शन के लिए। देखिए हर चीज़ आपके जीवन में आती है आपको बदलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, है ना। अगर आप सीख जाएंगे, बदल जाएंगे, तो भगवान उससे खुश होकर आपको क्या देंगे, फल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये जो कनेक्शन उनकी लाइफ में आया था, आप जो उनकी लाइफ में गए थे, आपको पहुंचाया था किस लिए, आप दोनों के बदलाव के लिए। तभी तो यहाँ मिरर का कार्ड आया है ना, क्योंकि आप दोनों को बदलने की ज़रूरत थी। तो यहाँ फिर सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, मतलब कि आपने जो भी किया उससे भगवान खुश हैं, आप तो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, पर आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि उनके जीवन में और उनकी पर्सनैलिटी में जितना बदलाव आया है, जितनी पॉजिटिविटी आई है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, है ना। तो वो इस बात को सोचकर खुश हैं और वो बहुत ऐसा हैप्पी और फ्री फील कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, एक बेहतर इंसान बन जाते हो, हैप्पी इंसान बन जाते हो, तो आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते हो, खुश रहते हो हमेशा, है ना। तो ऐसे ही खुश हैं आपके पर्सन, और आपके लिए उनकी फीलिंग्स यही हैं। पहली बात तो आपके बाल उनको बहुत अच्छे लगते हैं, हर जगह बाल ही बाल उड़ते दिख रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखिए एम्प्रेस के, इधर हैंग्ड मैन में इसके बाल कितने सुंदर हैं, यहाँ पे बाल इसके कितने सुंदर हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके बालों को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत सुंदर हैं आपके बाल, और फिर उसके बाद जो आपकी स्माइल है वो भी बहुत अच्छी है, एंड आपको वो एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। जो इस वक्त की जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, वो एक एम्प्रेस कौन होती है, एम्प्रेस मतलब कि एक भाई वो ऐसी पोजीशन में देखते हैं कि आप तो भाई महारानी हैं, आपको किसी बात की कोई कमी नहीं है, आपकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप इतनी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और इतना जस्टिस है, आप जो भी करती हैं वो न्याय की मेंटेलिटी से, न्याय की भावना से करती हैं, कभी भी आप सेल्फिश होकर नहीं करती, ना ही किसी दूसरे के लिए, आप जो भी करते हैं हमेशा न्याय के लिए करते हैं, इसलिए आप एम्प्रेस हैं, है ना। तो वो आपको इसी एनर्जी में देखते हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, आपके लिप्स इतने ब्यूटीफुल हैं, आपके फीचर्स इतने ब्यूटीफुल, आप जैसी भी हैं आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, एंड वो आपको एक आपके अंदर जो मदर क्वालिटी है उसको बहुत एडमायर करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो जानते हैं कि आप एक इतनी अच्छी फेमिनाइन हैं, इतनी अच्छी डिवाइन फेमिनाइन हैं, कि आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी मदर हैं या मदर बनेंगी, आप बहुत ही अच्छी माँ बनेंगी, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपके जो इमोशंस हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप इमोशनली भी बहुत मैच्योर हैं, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड आया है, वो भी 3-3 के नीचे, मतलब कि आपने अपने इमोशंस को भी इतने अच्छे से, इतने स्मार्टली, इतने इंटेलिजेंटली आपने अपने इमोशंस को बैलेंस किया है, कंट्रोल में करके रखा है, कि वो बहुत इम्प्रेस हो गए हैं इस चीज़ से, है ना। तो उनकी फीलिंग्स ये हैं कि आप जिस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, जिस तरह से आप अपने इमोशंस को संभालती हैं, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के इमोशंस को भी जितने अच्छे से समझती हैं, संभालती हैं, तो वो क्वालिटी उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। वो हायरोफेंट वो बहुत खुश हैं कि आपकी वजह से वो भी एक हायरोफेंट की एनर्जी में आ पाए हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपकी वजह से, आपकी जो इतनी अच्छी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी रही, और जिस तरीके से आपने उनको गाइड किया, उनसे बात करी, उसी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके, उसी एनर्जी से प्रेरित होके, वो भी डिवाइन में इतना ट्रस्ट करने लगे हैं, वो भी भगवान पर इतना विश्वास करने लगे हैं कि उनको भी भगवान का रास्ता मिल गया है, भगवान का हेल्प मिला है, उनको भी ये एनलाइटनमेंट मिली है, ये रोशनी आई है उनके जीवन में, इसलिए तो वो इतने खुश हैं, है ना। जब भगवान का साथ होता है तो हर इंसान चिंता मुक्त हो जाता है और एकदम खुश रहता है, तो इसलिए वो खुश हैं, और वो इसके लिए आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड करते हैं, मतलब हमेशा आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से वो इतना पॉजिटिव और लाइट फील कर पा रहे हैं, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आया है उनके जीवन में कि उनको लगता है कि पहले वो भाई ऐसे लटके हुए थे, उनका जीवन जो था आपके बिना ऐसे लटका हुआ था, ना आर ना पार, उन्हें पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं, बस यही लटकी वाली एनर्जी में खुश थे, यहीं वो अपनी सर्कसगिरी करते रहते थे आपके पर्सन पहले। तो बड़ी ही यहाँ फनी एनर्जी दिख रही है मुझे, पर आपके आने से
आपके आने से उनकी जीवन पूरा पलट गया, जहाँ वो उल्टे लटके थे आज वो सीधे खड़े हैं। आप ये दोनों कार्ड में अंतर देखिए, आपको पता चलेगा। जहाँ आपके पर्सन पहले उल्टे लटके पड़े थे और यहीं मज़े में थे, उल्टी पोजीशन में मज़े में थे, आज वो बिल्कुल सीधे हो गए हैं, है ना, सीधे होके अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और इतने खुश हैं, और आज उनके जीवन में सारे रंग हैं, है ना। यहाँ देखिए कितना सन का कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है सन का कार्ड। और ये सन सूर्य तो हमारे सबसे बड़े साक्षात जीवित देवता होते हैं, जो रोज़ आकर हमको जीवन देते हैं और अपना दर्शन देते हैं, है ना। सूर्य के बिना तो हमारा जीवन भी नहीं है। तो वो आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप उनकी लाइफ हैं, मतलब वो जैसे आपके आने से पहले उनके वो जी तो रहे थे पर वो ज़िंदा नहीं, मतलब ज़िंदा तो थे पर वो बस अपना ऐसी जीवन काट रहे थे, वो खुश नहीं थे, एक ह्यूमन लाइफ नहीं थी उनके अंदर। आप आई हैं तो जैसे कि उनको अपनी लाइफ मिल गई हो, उनको खुशियाँ मिल गई, उनको सारे रंग मिल गए, है ना, और वो ऐसे खुश हैं, फ्री हैं। तो ये एनर्जी, और ये एनर्जी आपकी वजह से आई है उनके जीवन में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी वजह से ही आया है। और एम्प्रेस का कार्ड आना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सेंटर ऑफ रीडिंग में आना तो बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी मेन ओरेकल कार्ड के अलाइनमेंट में आना और भी बड़ी बात होती है। एम्प्रेस का कार्ड भी 3 है, और ये जो ओरेकल कार्ड आया है फिल योर कप विद सेकंड गिगल्स 2+1 3, ये भी 3 का कार्ड है ना। तो आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में है, और ये जो फीलिंग्स हैं उनकी, जो भी आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये आपके सिर्फ वो फीलिंग्स बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सारी फीलिंग्स उनकी कहाँ से, माइंड बॉडी एंड सोल की फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ 3-3-3 आपकी रीडिंग में पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनकी माइंड से है, बॉडी से है, सोल से है, पूरी अलाइनमेंट से है और ट्रांसफॉर्मेशन से उनकी ये फीलिंग्स आई हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फाइनली इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट की है अपने पर्सन के लिए, वो भी अपने ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि ये मिरर का कार्ड आया है। तो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत कठिन होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को इस एनर्जी में पहुंचने के लिए। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इतनी अच्छी अचीवमेंट के लिए, और आपके लिए बस यही मैं एडवाइस करूँगी कि आप इस वक्त कुछ ना करें, है ना, क्योंकि इस वक्त आपके जो पर्सन है वो बहुत हैप्पी हैं एनर्जी में, उनको थोड़ा इस एनर्जी में रहने दीजिए और थोड़ा डिसाइड करने दीजिए उनको प्रैक्टिकली कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, है ना। तो ये मैं फाइनल एडवाइस ज़रूर दूंगी आप लोगों को कि प्लीज़ आप इस वक्त कुछ भी ना करें, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, मिरर एनर्जी है, तो आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएंगी, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपसे मैच कर रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पर्सनल बुकिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, और फ्री रीडिंग्स नहीं है कोई भी, तो प्लीज़ फ्री रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ना करें। रिस्पेक्ट योर एनर्जी एंड रिस्पेक्ट माई एनर्जी, एंड फिर से धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।